चलित बर्ष माघ पूर्णिमा आसंता 16 तारीख बुधवार दिन पालन करा। उल्लेख अनुजाई माघ पूर्णिमा दिन भगवान विष्णु गंगा जलरे बास करिथांती। विश्वास कराए जे एही दिन चंद्र 16 कलारे सजेई हुई अमृत वर्षा करिथांती, जहार अंश गछ नदी जलाशय एवं उद्भिद गुड़िकरे मिलिथाए। एथिपाई एथिरे सबु रोगरु मुक्ति मिलिबार गुण उत्पन्न होइथाए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुयायी माघ पूर्णिमा रे स्नान दान करिबा द्वारा सूर्य एवं चंद्रमा युक्त दोषरु मुक्ति मिलिथाए। तेणु एही दिन गंगा नदी रे स्नान करिबा उचित। जदि एहा संभव हेउ नाही तेबे घर पानी रे गंगा जल मिसाई गाधोइबा उचित। एहा व्यतीत एही दिन गंगा जल पीबा द्वारा मध्य पुण्य मिलिथाए। एसबु व्यतीत एही दिन भगवान विष्णुंकु पूजा पाठ करी उपवास करिबा उचित। एपरी करिबा द्वारा समस्त प्रकारर पाप दूर होइथाए। विश्वास कराए जे माघ पूर्णिमा रे देवता माने मध्य सेमानंकर रूप परिवर्तन करी गंगारे स्नान करिबा पई आसीथांती। तेणु एही तिथिर विशेष महत्व धार्मिक ग्रंथरे उल्लेख करा जायछि। सेहिभली जेऊ भक्त माने तीर्थराज प्रार्थनारे एक मास पई कल्पवास करंती सेमानंकर उपवास एही पूर्णिमा रे शेष होइथाए। माघ पूर्णिमा रे समस्त कल्पवासी माता गंगांक आळती पूजा करी साधु सन्यासी एवं ब्राह्मण मानंकु भोजन प्रदान करिबा द्वारा पुण्य प्राप्ति करिथांती। कुहा जाय जे माघ पूर्णिमा रे ब्रह्म मुहूर्त समय रे नदी रे गाधोइबा द्वारा असाध्य रोग मध्य दूर होइथाए। एही दिन राशि तेल मंजी एवं कंबल दान करिबा द्वारा नरक लोकरु मुक्ति मिलिथाए। एथिपाई माघ पूर्णिमा सकाळे स्नान करिबा परे भगवान विष्णुंकु पूजा करंतु। पितृपुरुषंकु श्राद्ध देबा परे खाद्य पोषाक राशि तेल मंजी कंबल गुड़ घी फल अर्ण इत्यादि ब्राह्मण मानंकु दान करंतु। एहा सह ध्यान दियंतु आपणंक वचन किंबा कार्य द्वारा केही जेपरी अपमानित न होवंती। एही सबु नियम पालन करी उपवास करिबा द्वारा पुण्य फल प्राप्ति होइथाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएस ओडिया।